हेलो स्टूडेंट, आज की स्पीड में बात करने वाले हैं इग्नू जून 2023 टर्म एग्जाम के असाइनमेंट सबमिशन के बारे में। वेल, आज की वीडियो चार पॉइंट में विशेष तौर पर डिवाइडेड रहेगी। फर्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे कि असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर आपको कहां से और कैसे डाउनलोड करना है, कहां से आपको एक्चुअल क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। सेकेंड, हम बात करेंगे क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। थर्ड पॉइंट पे हम बात करेंगे कि आपका फाइल का ऑर्डर कैसा रहेगा और कुछ इंस्ट्रक्शन आपकी असाइनमेंट संबंधित। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट जो हम बात करेंगे वो होगा असाइनमेंट मोड के बारे में कि आपका असाइनमेंट मोड क्या रहेगा, ऑनलाइन करने होंगे या फिर ऑफलाइन करने होंगे। एंड फाइनली फिफ्थ पॉइंट जो मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ वो रहेगा लास्ट डेट ऑफ सबमिशन के रिगार्डिंग कि आपकी ऑफिशियल लास्ट डेट क्या रहने वाली है इग्नू में जून 2023 टर्म एग्जाम के असाइनमेंट्स को लेकर। वेल, आज की इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा जून 2023 टर्म एग्जाम के असाइनमेंट्स को लेकर। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। साथ ही चैनल पर पहली बार आई हो मेक श्योर आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, पहले आइकन दबा लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आज स्टूडेंट बात करते हैं आपके असाइनमेंट्स को लेकर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि असाइनमेंट आपको कहाँ से डाउनलोड करने हैं। देखिए, इग्नू की मेन वेबसाइट पर डाउनलोड सेक्शन में आपको असाइनमेंट्स का लिंक देखने को मिल जाता है, जिससे आप इस वाले पोर्टल पर आ जाएंगे। इस पोर्टल पे आने के बाद में आपको अपना जो भी प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग असाइनमेंट डाउनलोड करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप मास्टर डिग्री के स्टूडेंट हैं तो मास्टर डिग्री पे क्लिक करेंगे, बैचलर डिग्री है बैचलर डिग्री, पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा प्रोग्राम, सर्टिफिकेट प्रोग्राम, पीजी सर्टिफिकेट प्रोग्राम, अप्रिशिएट प्रोग्राम, इसके अकॉर्डिंग आप असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको डाउनलोड करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैचलर डिग्री के स्टूडेंट हैं, आपको बीएससी जी के असाइनमेंट डाउनलोड करने हैं, तो आप लोग सिंपली इस पे आएंगे। अब आपको कोर्स कोड के अकॉर्डिंग अपने असाइनमेंट को विजिट करना है। लाइक आपका कोर्स कोड है BPHCT131, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कैसे आप चेक करते हैं अपने एडमिशन स्टेटस में, आप लोग सारी जानकारी देख पाएंगे। अब कोर्स कोड के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे मीडियम के अनुसार अपने असाइनमेंट को डाउनलोड करेंगे। जिस भी मीडियम में आपको चाहिए उस पर क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो इंग्लिश पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका असाइनमेंट आ जाता है, इससे आप इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। वेल, ये तो हो गया असाइनमेंट डाउनलोड। अब बात आती है सॉल्यूशंस की भाई, कि सॉल्यूशंस कहाँ से और कैसे मिलेंगे। वेल, देखिए, सॉल्यूशंस को लेकर मैं आपको क्लियर आउट कर दूं कि सॉल्यूशंस आप इग्नू के मटेरियल की हेल्प से बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी मैं एक अलग से भी बात करूंगा सॉल्यूशंस को लेकर, जिसमें आपको वे बताऊंगा कैसे आप सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। बाकी देखो, सॉल्यूशन आप लोग जब अपने स्टडी मटेरियल को प्रिपेयर करोगे, उस दौरान आपने जो टॉपिक पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करिए खुद से, वो बेस्ट रहता है, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाती है, प्लस आप लोग अपने सिलेबस को भी कंप्लीट कर पाते हैं। अब उन स्टूडेंट की बात आती है जिनको सिर्फ असाइनमेंट कंप्लीट करने हैं और टाइम कम है, तो आप लोग मार्केट में कई सारे पब्लिकेशंस हैं और कई सारे प्रोवाइडर्स हैं। एक प्रोवाइडर का मैं कांटेक्ट डाल दूंगा, जिससे आप कांटेक्ट करके असाइनमेंट ले सकते हैं जेन्युइनली। और असाइनमेंट सॉल्यूशंस को आप एज एडिट कभी भी कॉपी करने का मत सोचना, ये मेरी ओर से पॉइंट है, बिकॉज बहुत सारे असाइनमेंट जो आपको मिलते हैं वो एक्यूरेटली नहीं होते, उन पे वैसे तो डिस्क्लेमर होता है, बट कई सारे स्टूडेंट उसे भी ध्यान नहीं देते। खैर, आगे बात करते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट को लेकर, कि आपके असाइनमेंट बन चुके हैं, अब आपको किस प्रकार से असाइनमेंट्स को ऑर्डर करना है, यानी कि एक फाइल किस पे में आपको बनानी है। देखिए, असाइनमेंट का जो आपका ऑर्डर होता है उसमें सबसे पहले आता है आपका फ्रंट पेज। ये वाला फ्रंट पेज आप हमारे पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे फिल करना है मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में कवर किया, उसे आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, इसके बाद में डियर आता है आपका आईडी कार्ड। आईडी कार्ड आप सभी को पता होगा, आपने ऑलरेडी इग्नू की पोर्टल से डाउनलोड किया होगा, उसका आप प्रिंटआउट निकलवा के लगा सकते हैं इसमें। ओके, तो फर्स्ट पेज फ्रंट पेज, सेकंड आईडी कार्ड, थर्ड नंबर पे बात आती है आपके क्वेश्चन पेपर की। क्वेश्चन पेपर कुछ इस प्रकार से जो आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे, ये वाला आपको लगाना है। कई सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, जो उन्होंने परचेज किए हैं उसी क्वेश्चन पेपर को लगा देते हैं, जिसपे क्लियरली लिखा होता है दिस पब्लिकेशन, भाई वहां पे हो जाएगा आपका रिजेक्ट। तो इस बात को ध्यान रखना, आपको इग्नू वाला क्वेश्चन पेपर लगाना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड नंबर। फोर्थ पे आपके आएंगे हैंड रिटन आंसर्स, जो आप प्रिपेयर करेंगे खुद से, आप लिखेंगे, और इग्नू के अंदर हैंड रिटन फॉर्म आंसर ही वैलिड माने जाते हैं, आप टाइप फॉर्म नहीं कर सकते। ओके,
तो ये हो गई आपकी फाइल ऑर्डर की। अब बात आती है सबमिशन कैसे करना है, कहाँ पर करना है, इसको लेकर भी काफ़ी सवाल हैं स्टूडेंट्स के। बिकॉज अभी क्या है, आप देखेंगे किसी भी रीजनल सेंटर ने गाइडलाइंस जारी नहीं की हैं जून 2023 टर्म एग्ज़ाम को लेकर। लेकिन जहाँ तक है, इस बार भी आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से देखने को मिलेगा। अगर आपने अभी असाइनमेंट सबमिट करने ही है, अगर आपने तैयार कर लिए, बहुत सारे स्टूडेंट की मेरे पास में क्वेरीज हैं कि सर हमने तैयार कर लिए, क्या हम जल्दी सबमिट कर सकते हैं, तो आप कर सकते हो। स्टडी सेंटर पे आपके एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे, बिकॉज स्टडी सेंटर पर ही आपके जो गाइडलाइंस है उससे पहले सबमिट होते हैं। गाइडलाइंस के बाद में जो भी आपकी ERC गाइडलाइंस जारी करती हैं कि आपको ऑनलाइन करने तो इस ईमेल आईडी पे करना है, ऑफलाइन करने तो यहाँ पर ही करना है, इस टाइमिंग पे करना है, तो ये चीज़ें जब गाइडलाइंस आएंगी उसके बाद में क्लियर आउट होंगी। फिलहाल अगर आपको असाइनमेंट सबमिट करने हैं तो आप लोग अपने स्टडी सेंटर पर सैटरडे या संडे जाकर सबमिट कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गई उन स्टूडेंट के बारे में बात जो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि सर लास्ट डेट क्या है, ऑफिशियल लास्ट डेट क्या है। देखिए अभी जो असाइनमेंट पे आप देख रहे हैं, जैसे इस पे लिखी हुई 30 अप्रैल, और इस वाली असाइनमेंट पे देखें तो यहाँ पे लास्ट डेट है आपकी 15 मार्च। इसके अलावा एक और असाइनमेंट पे बात देखें तो यहाँ पे लिखी हुई है 31 मार्च 2023, ये लास्ट डेट लिखी हुई है। सबमिट कहाँ करने है, जैसा कि मैंने बताया स्टडी सेंटर की कोऑर्डिनेटर, आप लोग वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि लास्ट डेट क्या है ऑफिशियल वाली, 31 मार्च है, 15 मार्च है, 30 अप्रैल है, या फिर कुछ और लास्ट डेट है। देखिए अभी जितनी भी लास्ट डेट्स हैं जो आपके डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स पे हैं, अभी आप जो लास्ट डेट सबसे एंड वाली है ना, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी 30 अप्रैल, इसे आप कंसीडर कर सकते हो। मोस्टली आपकी यहाँ तक तो जाएगी, इसके अलावा भी फर्दर एक्सटेंड होती है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अभी देखो जो नोटिस आएगा उसके अकॉर्डिंग बात करूँ तो आपकी जो नोटिस आएगा उसमें 15 मार्च लास्ट डेट पहले रहेगी, उसके बाद में फर्दर एक्सटेंड की जाएगी आपकी 31 मार्च तक, उसके बाद में 15 अप्रैल, देन आपकी 30 अप्रैल तक एक्सटेंड की जाएगी लास्ट डेट। ये आपका सिनेरियो रहेगा। उसके बाद में फर्दर बढ़ने के चांसेस इसलिए भी बनते हैं बिकॉज एग्जामिनेशन का फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो 30 अप्रैल अभी के लिए आपकी लास्ट डेट है। सभी प्रोग्राम्स की बात कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग बैचलर, मास्टर्स, सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा, सभी के लिए 30 अप्रैल लास्ट डेट रहेगी इग्नू की ओर से। और स्टूडेंट इग्नू की ओर से जल्दी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो आप लोग चेक कर पाएंगे। तो खैर आज की इस वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। कोई भी क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पर DM करके अपने सवालों को पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। खैर आज की इस वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मिलते हैं एक और नई अपडेट में, तब तक जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।